तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। बहुत से आर्टिस्ट जो नए नए बिगिनर्स हैं, उनको ये डाउट है कि भाई जब वो अपने सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ उसके कंटेंट आईडी यानी कि उस पर लाइसेंस इनेबल करते हैं, तो उनको कॉपीराइट भी आता है, ठीक है, और उनको लाइसेंस भी मिल जाता है। सबसे पहले आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे और वो सॉन्ग है किसी अच्छे लेवल का है या किसी अच्छे आर्टिस्ट का है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इस तरीके की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और आपके YouTube स्टूडियो के एप्लीकेशन में ये डिटेल्स ऐसी शो ना होकर ऐसी शो होती है जहां पर लिखा होता है कॉपीराइट क्लेम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और अपना सॉन्ग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और आपको इतना मैंने बताया हुआ है, आपने वीडियो के माध्यम से सीखा हुआ है कि जब आप अपने सॉन्ग को अपलोड कर देंगे, कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई कर देंगे, तो मिनिमम 3 से 5 दिन लगते हैं कंटेंट आईडी को इनेबल होने के लिए। अब जिस बंदे को ये चीजें नहीं पता होती हैं, जो स्टार्टिंग में होता है, उसने ये वाली वीडियो तो देख ली कि भाई सॉन्ग अपलोड किस तरीके से करते हैं, ठीक है, उसने ये वीडियो नहीं देखी मेरी कि किस तरीके से लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस कितने दिन बाद मिलता है। कोई बंदे ऐसे होते हैं कि भाई हमने सॉन्ग अपलोड कर दिया लेकिन हमें लाइसेंस नहीं मिला, कोई हमारा दूसरा बंदा सॉन्ग अपलोड कर देता है तो उसको कॉपीराइट क्लेम नहीं जाता। तो भाई 3 से 5 दिन का वेट करो, लाइसेंस इनेबल हो जाएगा अगर आपने कंटेंट आईडी के ऑप्शन को सेलेक्ट किया होगा, कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई किया होगा। अब मान लो 3 दिन हो गए, ठीक है, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और आपकी कंटेंट आईडी आपके सॉन्ग पर इनेबल कर दी गई है यूट्यूब की तरफ से, तो आपको भी कॉपीराइट क्लेम आएगा और जिस जहां पर वो सॉन्ग अपलोड होगा वहां पर भी कॉपीराइट क्लेम जाएगा। अब ये होता क्यों है? मान लो आपको कॉपीराइट क्लेम क्यों आया, क्योंकि YouTube को नहीं पता है कि आप इस सॉन्ग के आर्टिस्ट हो और आपका चैनल कौन सा है। जब तक आप YouTube को बताओगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को अपने बताओगे नहीं कि मेरा चैनल ये वाला है, इस पर कॉपीराइट क्लेम ना आए। और कॉपीराइट क्लेम जब नहीं आएगा, जब आप अपने चैनल को या तो व्हाइट लिस्ट कर देंगे या फिर पर्टिकुलर वीडियो पर से, जो आपकी सॉन्ग की वीडियो है उस पर से अपने सॉन्ग के कॉपीराइट को रिमूव करवा देंगे। ये आपका व्हाइट लिस्टिंग का काम और कॉपीराइट रिमूव करने का काम आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही करता है। किस तरीके से करता है ये मैंने कॉपीराइट इशू वाली प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। मैंने डिटेल में कॉपीराइट से जितने भी सिचुएशन होती हैं आपकी, सब यहाँ पर सॉल्व की हुई हैं। आप आराम से जाकर इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, कॉपीराइट किस तरीके से रिमूव करवाना है और किस तरीके से अपने चैनल को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में भी क्लेम ना आए, जो आपके ऑलरेडी क्लेम्स हैं वे भी रिमूव हो जाए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइसेंस कितने दिन बाद मिलता है, लेकिन भाई इन दोनों में अंतर क्या है? यही कॉपीराइट अगर आप YouTube के एप्लीकेशन पर देखोगे तो उस पर इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, और यही कॉपीराइट आप अगर YouTube के स्टूडियो में अपने चेक करोगे या जिसने भी आपका सॉन्ग अपलोड किया है उसके स्टूडियो में चेक करोगे तो कॉपीराइट क्लेम के नाम से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या ये दोनों अलग है? ये दोनों सेम है। YouTube स्टूडियो में आपको कॉपीराइट इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये कॉपीराइट है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर कॉपीराइट नहीं आता है कहीं भी लिखा हुआ। जिसके डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग की डिटेल्स यहाँ पर इस तरीके से शो होंगी, तो इसका मतलब है कि उसकी वीडियो पर कॉपीराइट है। और वो कॉपीराइट किसका है, सॉन्ग का नेम क्या है, किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसके द्वारा कंटेंट आईडी ली गई है, ये सारा आपको यूट्यूब की एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलता है। ये इसलिए कि मान लो अगर आपने आपने चैनल ओपन किया और आपको नहीं पता था, आपने किसी का भी सॉन्ग उठाकर अपनी वीडियो में डाल दिया और वीडियो वो बहुत ज्यादा वायरल चली गई, तो उसका जो रिवेन्यू होगा वो जिसका सॉन्ग है, जो आपका आपने अपनी वीडियो में यूज किया है, वो सारे पैसे उसके सॉन्ग के थ्रू उसके अकाउंट में जाएंगे, आपको पैसा रुपया नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर उस पब्लिक को जो आपकी वीडियो हिट हुई है उस पब्लिक को वो सॉन्ग पसंद आ गया, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएगी और उसका जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है और जो उस सॉन्ग का नाम है वहां से ही क्लिक करके डायरेक्ट उसके चैनल पर पहुंच जाएगी और वो सॉन्ग उसके ओरिजिनल आर्टिस्ट के चैनल पर वॉच कर सकती है। तो YouTube का ये फीचर है कि डिस्क्रिप्शन में कॉपीराइट यहाँ पर सॉन्ग की डिटेल्स के फॉर्मेट में शो होगा और YouTube स्टूडियो में अगर आप चेक करोगे तो वो कॉपीराइट क्लेम के फॉर्मेट में यहाँ पर शो होगा आपको। तो ये दोनों कंफ्यूजन आई होप आपके क्लियर हो चुके होंगे कि YouTube स्टूडियो में अगर आप कॉपीराइट क्लेम चेक करोगे तो वो कॉपीराइट क्लेम के नाम से ही चेक होगा, और जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये चेक करोगे YouTube की एप्लीकेशन, ऑफिशियल जो YouTube की एप्लीकेशन है वहां पर चेक करोगे तो यहाँ पर सॉन्ग की डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। और कुछ लोगों का ये भी होता है कि भाई मान लो किसी ने किसी का सॉन्ग यूज नहीं किया, जो आप लोग YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से सॉन्ग उठाते हो ना, वो भी आपके कॉपीराइट के तरीके से शो होते हैं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन स्टूडियो में कॉपीराइट क्लेम उनका नहीं आता है। डिस्क्रिप्शन में वो सिर्फ इसलिए शो होते हैं, मान लो आपने नॉट फॉर नथिंग म्यूजिक जो आपने बैकग्राउंड में अपना यूज किया हो, फ्यूज म्यूजिक जो ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड किया था, जो कि यूट्यूब की ऑफिशियल ऑडियो लाइब्रेरी है, उनका आपको क्लेम नहीं आएगा, लेकिन वे डिस्क्रिप्शन में शो होंगे, जिससे कि जो पब्लिक आपकी वीडियो को वॉच कर रही है उनको पता होगा इसने यूट्यूब की एक ऑडियो लाइब्रेरी में से अपना सॉन्ग जो डाउनलोड करके इस वीडियो में यूज किया है उस सॉन्ग का नाम क्या है
और वो YouTube अपने सॉन्ग्स को प्रमोट भी करता है कि हमारी जो ऑडियो लाइब्रेरी के सॉन्ग्स हैं वही लोग यूज करें, जिससे कि उनको कॉपीराइट क्लेम ना आए। क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यहाँ पर, ये वाली, इस पर मेरी इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट ये हैं कि भाई तू कॉपीराइट किस तरीके से हटाते हैं, किस तरीके से लेते हैं वो तो बता रहा है, लेकिन तेरी खुद की वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, वो कॉपीराइट क्लेम नहीं है, वो यूट्यूब म्यूजिक की जो ऑडियो लाइब्रेरी में से मैंने अपने इंट्रो के लिए सॉन्ग डाउनलोड किया था, वो अपनी वीडियो में यूज किया है, वो उसकी सॉन्ग की डिटेल्स हैं। अगर आप यूट्यूब स्टूडियो में उसको चेक करोगे वीडियो को, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं है। यूट्यूब जो ऑडियो लाइब्रेरी है उसका भी सॉन्ग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शो करवाता है, लेकिन उसका कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, क्योंकि वे नो कॉपीराइट यूज में आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी की भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएंगी, लेकिन जो आपका ओरिजिनल सॉन्ग होगा जिस पर कंटेंट आईडी इनेबल होगी, उसका कॉपीराइट क्लेम तो आपको स्टूडियो में देखने के लिए मिलेगा, और जो सॉन्ग की डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेंगी। तो आई होप ये वाला कन्फ्यूजन बहुत क्लियर हो चुका होगा आपका, क्योंकि भाई मेरे पर भी कमेंट आए थे, क्योंकि मैंने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से बहुत सारे सॉन्ग्स अपनी वीडियो में यूज किए हैं, इंट्रो में यूज किए हैं, तो उनकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में शो होने लगती है। तो बंदा कमेंट करता है कि भाई तू तो सिखा रहा है लेकिन तुझे ही नहीं आता, तेरी वीडियो पर ही कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, वो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का एक फीचर है, जिससे कि उनके सॉन्ग्स को भी प्रमोट किया जा सके यूट्यूब के द्वारा, उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। जो आपके सॉन्ग्स हैं आर्टिस्ट के लेवल के, उन पर कॉपीराइट क्लेम आता है, जिनका लाइसेंस इनेबल किया होता है। ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। मैंने सोचा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मुझे मैसेजेस भी आते हैं और कमेंट भी आते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है कॉपीराइट क्लेम का, और डिस्क्रिप्शन में ये किस तरीके से शो होता है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसी आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी आपको। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, जय हिंद और वंदे मातरम।